आप स्टॉक जीरोधा, एंजल वन, फाइव पैसा या फिर ग्रो, कौन से ब्रोकर सबसे अच्छा है, कहाँ पे आपको अकाउंट खोलना चाहिए, अगर अभी से लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक केवल आपका प्रॉब्लम नहीं, शुरू शुरू में हम सबको इस सेम प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता है। अभी ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते, हम आस पड़ोस की फ्रेंड फैमिली या फिर इधर उधर किसी से भी हम सजेशन लेते हैं कि कौन सी ब्रोकर अच्छा है, बेस्ट है। उसके बाद उस सजेशन की बेसिस पे हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि आगे जाकर आपकी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट जानने की सबसे पहला और सबसे बड़ा मिस्टेक साबित हो सकता है। देखिए, मेरे लिए जो ब्रोकर सबसे अच्छा है, आपके लिए वो अच्छा नहीं भी हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर है, हर एक ब्रोकर की अलग अलग सुविधा है और उनके लिए ब्रोकर अलग अलग चार्जेस भी लेता है। इसलिए किसी भी जगह पे अकाउंट ओपन करने से पहले मेरे लिए, आपके फ्रेंड के लिए, आपकी पड़ोसी के लिए नहीं, पार्टिकुलरली आपके लिए कौन सी ब्रोकर सबसे अच्छा है, कौन सी ब्रोकर सबसे बेस्ट है, वो आपको पता करना होगा। इसीलिए अच्छी वीडियो के माध्यम से हम भारत की कुछ लीडिंग स्टॉक ब्रोकर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके खुद के लिए एक अच्छा बेस्ट स्टॉक ब्रोकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर है, लेकिन आज हम केवल आप स्टॉक जीरोधा, एंजल वन, फाइव पैसा और ग्रो, केवल इन पांच ब्रोकर्स को लेकर ही डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, भारत में केवल दो तरह की स्टॉक ब्रोकर है। नंबर वन पहला है फुल सर्विस ब्रोकर और नंबर टू है डिस्काउंट ब्रोकर, जहाँ पे फुल सर्विस ब्रोकर के साथ हमें थोड़ा सा ज्यादा सर्विस मिलता है, लेकिन उसके बदले फुल सर्विस ब्रोकर हमसे चार्जेस भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेता है। दूसरी साइड पे डिस्काउंट ब्रोकर तुलना में सर्विस थोड़ा सा कम देता है, लेकिन उसके बदले चार्जेस काफी कम लेता है। और आज हम जितने भी ब्रोकर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनमें से केवल एंजल वन ऐसी एक ब्रोकर है जो कि चार्जेस लेता है डिस्काउंट ब्रोकर के जैसे, लेकिन सुविधा देता है एक फुल सर्विस ब्रोकर की तरह। इसके अलावा बाकी जो चार ब्रोकर है, सारे ब्रोकर है डिस्काउंट ब्रोकर, लेकिन इनमें से बेस्ट ब्रोकर कौन से है आपके नीड के हिसाब से, आइए साइड बाय साइड कंपेयर करके इस सवाल की जवाब भी ढूंढते हैं। यहाँ पर सबसे पुराना ब्रोकर है एंजल वन, जो कि पहले एंजल ब्रोकिंग नाम से जाना जाता था। 8 अगस्त 1996 से एंजल वन स्टॉक ब्रोकिंग की बिजनेस में है। इसके अलावा जीरोधा 15 अगस्त 2010, आपस्टॉक भी 2010 और फाइव पैसा 2016 से स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस शुरू किया है, लेकिन ग्रो म्यूचुअल फंड सेलिंग बिजनेस 2017 से शुरू किया है और स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस हाल ही में 2020 से ही शुरू किया है। तो अब तक हमने देखा कि एज के हिसाब से कौन सी ब्रोकर ज्यादा पुराना है और कौन सी ब्रोकर कम पुराना है या फिर नया है। अब आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के लिए कौन सी ब्रोकर के साथ हमें ज्यादा सुविधा मिलता है। देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, ये सारे सुविधा हमें आप स्टॉक जीरोधा, एंजल वन या फिर फाइव पैसा के साथ मिलता है। दूसरी साइड पे ग्रो के साथ हमें करेंसी या फिर कमोडिटीज ट्रेडिंग की सुविधा नहीं मिलता है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे सुविधा ग्रो के साथ भी हमें मिलता है। देखिए, इन सारे ब्रोकर्स के बीच में ग्रो है सबसे नया ब्रोकर, इसलिए ट्रेडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो अभी भी कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन ग्रो की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इंटरफेस सबसे सिंपल है, अच्छा है। अभी अगर हम कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एसजीवी या फिर एल्गो ट्रेडिंग की सुविधा हमें आप स्टॉक जीरोधा, एंजल वन एंड फाइव पैसा के साथ मिलता है, लेकिन ग्रो के साथ हमें नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये सुविधा एंजल वन, फाइव पैसा के साथ साथ ग्रो की डेस्कटॉप वर्जन पे भी मिलता है, लेकिन फिलहाल के लिए जीरोधा या फिर आप स्टॉक ऐसी सुविधा नहीं देता है। लेकिन एक आर्टिकल से हमें पता चला है आप स्टॉक बहुत ही जल्दी ये सुविधा लाने वाला है। अभी अगर आप जानना चाहते कि कौन सी ब्रोकर ज्यादा सेफ है इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के लिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ सेबी की सेंट्रल बेस्ड डिपॉजिटरी स्ट्रक्चर के लिए ये पांचवी ब्रोकर सेफ है, सिक्योर है। यहाँ पे कोई भी स्टॉक ब्रोकर बंद होने की या फिर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होने की किसी भी तरह की चांस नहीं है। और इस विषय के ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो किया है, आप चाहे तो आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अपस्टॉक में सर रतन टाटा ने भी निवेश किया है। इसकी मतलब यह नहीं है कि अपस्टॉक ज्यादा सिक्योर है और बाकी ब्रोकर कम सिक्योर है। मुझे ये चीज याद आया, इसलिए मुझे लगा कि आपको एक बार ये बताना चाहिए।
अभी अगर आपको एडवाइजरी सर्विस जैसे कि एडवाइजरी रिसर्च रिपोर्ट, टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट या फिर रेडीमेड कॉल्स चाहिए तो आपकी नीड को केवल एंजल वन और फाइव पैसा ही फुलफिल कर सकता है, बाकी ब्रोकर ऐसी सुविधा नहीं देता है। अभी हम बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एक ऐसी चार्जेस है जो कि केवल लाइफ में एक ही बार अकाउंट ओपन करने के दौरान देना होता है। जैसे केवल एक ही बार देना है तो इस चार्जेस को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा मोटा स्मॉल चार्जेस देना है तो यू कैन कंसीडर। अभी जीरोधा के अलावा बाकी ये चार ब्रोकर किसी भी तरह की अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लेता है, यानी कि इनकी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है एकदम ही जीरो। अभी अगर आप जीरोधा में इक्विटी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते तो आपको ₹200 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना होगा। और अगर आप इक्विटी के साथ ही साथ कमोडिटी ट्रेडिंग भी करना चाहते तो आपको एक्स्ट्रा ₹100 यानी कि टोटल ₹300 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना होगा। देखिए यहाँ पे जीरोधा शुरू से ही इतना ही अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेता है और बाकी ब्रोकर पहले अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेता था लेकिन अभी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस को जीरो किया है। जो भी है सारे ऑफर्स के साथ हर एक ब्रोकर की फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे मैंने शेयर किया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी ब्रोकर अच्छा है, कौन सी ब्रोकर बेस्ट है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ आज की वीडियो कंप्लीट देखिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि कहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बाद अभी हम बात करेंगे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। देखिए इससे पहले मैंने बताया कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हमें हर साल या फिर मंथली बेसिस पे बार बार देना होता है, इसलिए इस चार्जेस के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आइए पहले समझते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस क्या है। सपोज आप बैंक से कोई डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उस कार्ड के लिए आपको ईयरली बेसिस पे हर साल एक मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है। बिल्कुल सेम तरह से डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद आपको हर साल या फिर मंथली बेसिस पे एक चार्जेस देना होता है और इसी चार्जेस को कहा जाता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। और हमें ध्यान से ऐसे एक ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना चाहिए जिनकी सारे सर्विस अच्छा होने के साथ साथ अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है कम से कम जीरोधा हर साल ₹300 प्लस GST अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस या फिर AMC चार्जेस लेता है। उसके बाद अपस्टॉक अपने पुराने कस्टमर यानी कि जिन्होंने भी 31 सितंबर 2021 से पहले अकाउंट ओपन किया है उनसे क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीना बाद ₹75 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेता है। इसके अलावा अपस्टॉक अपने नया कस्टमर यानी कि इस डेट की बात से या फिर आज से कभी भी अगर आप अपस्टॉक के साथ अकाउंट ओपन करते हो तो आपको किसी भी तरह की अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना होगा। उसके बाद एंजल वन यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के बाद पहले साल किसी भी तरह की अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना होता है और दूसरी साल से एंजल वन आपसे कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेगा वो पूरी तरह से निर्भर करेगा आपने टोटल कितना अमाउंट कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर। अगर आप सालाना अप टू 2 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको BSDA या फिर बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट इस कैटेगरीज के अंदर डाल दिया जाएगा, जहाँ पे अगर आप सालाना ₹50,000 से नीचे इन्वेस्टमेंट करते तो आपको किसी भी तरह की अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना होगा। और अगर आप सालाना ₹50,000 से लेकर अप टू 2 लाख रुपीज तक इन्वेस्टमेंट करते तो आपको सालाना केवल ₹100 प्लस GST अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देना होगा। इसके अलावा अगर आप 1 साल में 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते तो आपको मेंटेनेंस चार्जेस देना होगा ₹20 प्लस GST हर महीना, यानी कि इस केस में सालाना चार्जेस हुआ ₹240 प्लस GST। इसके बाद अपस्टॉक की जैसे ही ग्रो पहले मेंटेनेंस चार्जेस लेता था लेकिन अभी किसी भी तरह की अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेता है। इसके बाद 5 पैसा की मेंटेनेंस चार्जेस एंजल वन की जैसे ही निर्भर करता है टोटल होल्डिंग या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर। अगर आपके पास एक ही डीमैट अकाउंट है और आपने 50,000 से नीचे ही इन्वेस्टमेंट किया है तो 5 पैसा आपसे किसी भी तरह की मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेगा। और अगर आपकी टोटल होल्डिंग अमाउंट 50,000 से 2 लाख के बीच में है तो आपको हर महीना ₹8 मेंटेनेंस चार्जेस देना होगा। इसके अलावा अगर आपकी होल्डिंग अमाउंट इससे ज्यादा है 2 लाख से ज्यादा है तो आपको देना होगा ₹25 हर महीना AMC चार्जेस।
तो इस केस में सालाना टोटल एमसी चार्जेस हुआ 300 रुपीज प्लस जीएसटी। अभी अगर हम इन्वेस्टमेंट की हाईएस्ट लेवल पे जाके इन पांचों ब्रोकर को कंपेयर करके देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि अपस्टॉक और ग्रो किसी भी तरह की मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेता है। इन दोनों के अलावा बाकी ब्रोकर की चार्जेस समझने के लिए अगर हम एनुअल चार्जेस कंसीडर करते हैं तो एंजल वन सस्ता है, उसके बाद जीरोधा और 5 पैसा की मेंटेनेंस चार्जेस लगभग सिमिलर है। इसके बाद अभी हम डिस्कशन करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। देखिए, ब्रोकरेज चार्जेस को हम आसान भाषा में कह सकते हैं शेयर बाय सेल करने की कमीशन जो कि मिलता है हमारे स्टॉक ब्रोकर को। जब ब्रोकरेज चार्जेस एक ब्रोकर की मेन इनकम सोर्स है, उसी जगह पे आप और हम जैसी आम इन्वेस्टर के लिए ब्रोकरेज चार्जेस काफी ज्यादा पेनफुल जगह है। इसलिए ध्यान से हमें ऐसे एक ब्रोकर के साथ ही अकाउंट ओपन करना चाहिए जो कि ठीक ठाक ब्रोकरेज चार्जेस लेता है। अभी अगर हम सबसे पहले डिलीवरी या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो जीरोधा और एंजल वन किसी भी तरह की ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता है। इन दोनों के अलावा अपस्टॉक लेता है 2.5% या फिर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ऑर्डर। इन दोनों में से जो कम होगा उतना ब्रोकरेज चार्जेस। इसके बाद ग्रो की अप्रोच भी ऑलमोस्ट सेम है, ग्रो 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ऑर्डर। इन दोनों में से जो अमाउंट होगा कम उतना ब्रोकरेज चार्जेस ग्रो लेता है। अभी अगर हम 5 पैसा के ऊपर फोकस करते तो 5 पैसा फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर हर सेगमेंट पे ब्रोकरेज चार्जेस लेता है। इससे पहले हमने देखा था अपस्टॉक और ग्रो कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेता है। शायद से इस कमियों को पूरा करने के लिए अपस्टॉक और ग्रो डिलीवरी पे ब्रोकरेज चार्जेस लेता है। इसके बाद अगर हम इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर दूसरी सेगमेंट की ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करते तो हाईएस्ट लेवल पर जाकर हर एक ब्रोकर ऑलमोस्ट सेम मैक्सिमम 20 रुपीज पर ऑर्डर ब्रोकरेज चार्जेस लेता है। देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ अगर आप एक इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आप हर महीना मंथली बेसिस पे डिलीवरी पे शेयर खरीदते हैं, तो इस केस में जीरोधा एंड एंजल वन हमें बेटर प्राइस ऑफर करता है। इसके अलावा यदि आप एक ट्रेडर है तो आप स्टॉक जीरोधा एंजल वन की चार्जेस ऑलमोस्ट सेम है और मेरा मानना है आपको इन्हीं में से किसी एक ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना चाहिए। जो भी है, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ सारे ऑफर्स एंड सुविधा के साथ इन सारे ब्रोकर्स की फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे। अभी हम बात करेंगे कॉल एंड ट्रेड के बारे में। अगर कोई भी कस्टमर केयर में फोन करके कॉल करके शेयर बाय सेल करता है देन इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉल एंड ट्रेड। अभी आपको मोबाइल ऐप यूज करना नहीं आता है केवल हम इसीलिए कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी यूज करते, ऐसा नहीं है। सपोज आप ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे इंटरनेट से काम नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में आप कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी की मदद से नया शेयर बाय कर सकते हैं या भी पहले से खरीदा गया शेयर को सेल भी कर सकते हैं। खास करके एक ट्रेडर के लिए कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉल एंड ट्रेड की सुविधा के लिए अपस्टॉक एंड जीरोधा दोनों ही सेम चार्जेस लेता है 50 रुपया प्लस जीएसटी। एंजल वन लेता है 20 रुपया प्लस जीएसटी और 5 पैसे की चार्जेस सबसे ज्यादा है 100 रुपया प्लस जीएसटी। इन सबके अलावा अंतिम ब्रोकर ग्रो के साथ हमें ऐसा कोई भी कॉल एंड ट्रेड की सुविधा नहीं मिलता है। अभी हम बात करेंगे ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में जो कि एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे पे क्या होता है, हम जिस दिन शेयर परचेस करते उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले ही हमें उस सारे शेयर्स को सेल करना जरूरी होता है। इमेजिन कीजिए आपने इंट्राडे पे किसी एक दिन शेयर परचेस किया लेकिन आप भूल जाते उसके बारे में। ऐसी परिस्थिति में मार्केट क्लोज होने से पहले पहले ब्रोकर आपकी बिहाफ पे आपकी इंट्राडे पे खरीदा गया सारे शेयर्स को ऑटोमेटिक सेल कर देता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटो स्कोर ऑफ, जिसके लिए हर एक ब्रोकर अलग अलग चार्जेस लेता है। अब इस मैटर के लिए एंजल वन की चार्जेस सबसे कम है, केवल 20 रुपया प्लस जीएसटी और बाकी सभी ब्रोकर की चार्जेस सेम है 50 रुपया प्लस जीएसटी। तो यहाँ पर भी हमने देखा एंजल वन की चार्जेस बाकी ब्रोकर की तुलना में कम है, सस्ता है। अब तक हमने जितने भी चार्जेस के बारे में डिस्कस किया ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी ब्रोकर में चार्जेस कम है, हो सकता है किसी ब्रोकर में चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इन चार्जेस के अलावा शेयर बाय सेल करने के दौरान गवर्नमेंट भी हमसे कुछ टैक्सेस वगैरह लेता है जिन्हें काफी सारे लोग हिडन चार्जेस भी कहता है, लेकिन इन चार्जेस को हिडन चार्जेस कहना गलत होगा। इन टैक्सेस को चार्जेस को कीप करना पॉसिबल नहीं है
क्योंकि अभी हम जिन चार्जेस के बारे में बात करने वाले, ये कोई ब्रोकर नहीं, डायरेक्ट गवर्नमेंट हमसे लेता है एज ए टैक्स। यहाँ पे काफी सारे अलग अलग तरह की चार्जेस है, जिनमें से सबसे पहला चार्जेस है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस। देखिए, भारत में केवल दो ही एक्सचेंज है, NSE और BSE, जहाँ से हम शेयर बाय सेल कर सकते हैं। NSE की मदद से कोई भी शेयर खरीदने के दौरान 0.00325% टर्नओवर के ऊपर चार्जेस देना होता है। सेम तरह से BSE की मदद से शेयर बाय करने के दौरान देना होता है 0.00375% चार्जेस टर्नओवर के ऊपर। और यहाँ पे टर्नओवर की मतलब है बाइंग प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस। जैसे कि RBI भारत के सारे बैंक को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, बिल्कुल ही सेम तरह से इंडियन शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी अपना खर्चा या फिर एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए शेयर बाय सेल करने के दौरान कुछ चार्जेस लेता है, और इस चार्जेस को कहा जाता है सेबी चार्जेस। डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, हर एक सेगमेंट के लिए सेबी सेम चार्जेस लेता है 0.0001%। देखिए, जो बात मुझे सबसे अच्छा लगता है, इंडियन शेयर मार्केट दुनिया की किसी भी देश की शेयर मार्केट की तुलना में ज्यादा सिक्योर है। भारत में चाहे आप किसी भी ब्रोकर की मदद से शेयर बाय करते हो, आपकी शेयर ब्रोकर के पास जमा नहीं रहता है। क्योंकि अगर किसी कारण की वजह से अगर आपका या फिर मेरा ब्रोकर बंद हो जाता है, तो हमारे पैसों का क्या होगा, खरीदे गए शेयरों का क्या होगा? ऐसी परिस्थिति से एक आम इन्वेस्टर को बचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट या फिर सेबी ने तैयार किया है सेंट्रल बेस डिपोजिटरी स्ट्रक्चर। और इस मैकेनिज्म की वजह से भारत में चाहे आप किसी भी ब्रोकर की मदद से शेयर बाय करते हो, आपकी शेयर ब्रोकर के पास नहीं, आपकी सारे शेयर जमा रहता है डिपोजिटरी के पास। और भारत में केवल दो ही डिपोजिटरी है, CDSL और NSDL, और इन दोनों कंपनी के ऊपर भारत सरकार की मजबूत पकड़ है। तो हमारे खरीदे गए शेयर सिक्योरली डिपोजिटरी के पास, यानी कि NSDL नहीं तो CDL के पास जमा रहता है। और इस सर्विस के लिए डिपोजिटरी कुछ चार्जेस लेता है, और इस चार्जेस के ऊपर हमारे ब्रोकर भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ देता है, और इन दोनों चार्जेस को ही एक साथ कहा जाता है DP चार्जेस या फिर डिपोजिटरी चार्जेस। अभी याद रखना, इंट्राडे, करेंसी, कमोडिटी, फ्यूचर, ऑप्शन, ट्रेडिंग के लिए किसी भी तरह की DP चार्जेस नहीं लगता है। इसके अलावा डिलीवरी पे शेयर खरीदने के दौरान भी DP चार्जेस नहीं देना होता है। DP चार्जेस केवल देना होता है डिलीवरी पे खरीदा गया शेयर सेल करने के दौरान, केवल सेल करने के दौरान DP चार्जेस देना होता है। और DP चार्जेस पार्ट स्क्रिप्ट लगता है। इसका मतलब है कि अब एक पार्टिकुलर कंपनी की शेयर एक दिन में चाहे कितना भी बार, कितना भी क्वांटिटी में बेच सकते, आप केवल एक ही बार DP चार्जेस देना होगा। जो भी है, यहाँ पे जीरोधा लेता है 15.93 पैसा DP चार्जेस, ग्रो लेता है 13.5 रुपया DP चार्जेस, अपस्टॉक की चार्जेस है 18.5 रुपया, एंजल वन 20 रुपया, और 5 पैसा सबसे कम DP चार्जेस लेता है केवल 12.5 रुपया। उसके बाद अगला चार्जेस है GST चार्जेस, जो कि ब्रोकरेज चार्जेस, सेबी चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और DP चार्जेस के ऊपर 18% लिया जाता है, और हर एक ब्रोकर के लिए GST चार्जेस एग्जैक्टली सेम होता है। इसके बाद अगला चार्जेस है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और ये चार्जेस अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि डिलीवरी में बाय सेल करने के लिए चार्जेस लगता है 0.1%, इंट्राडे पे बाय सेल करने के दौरान 0.025% चार्जेस देना होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग के दौरान चार्जेस लगता है 0.0125%, और ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है 0.0625%। देखिए, हम इतना मेहनत करके ट्रेडिंग करते, इन्वेस्टमेंट करते, जहां से हमें प्रॉफिट होगा या लॉस वो देखने को ही नहीं आता है, लेकिन ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के दौरान हमसे चार्जेस सब लेता है। और ये सब देख के जाहिर सी बात स्टेट गवर्नमेंट को भी लालच आएगा, जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट भी और एक एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, और इस चार्जेस को कहा जाता है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। लेकिन हमारे किस्मत अच्छा है, ये चार्जेस केवल बाय करने के दौरान देना होता है, सेल करने के दौरान स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता है। स्टेट वाइज ये चार्जेस अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम एक एवरेज चार्जेस को लेकर डिस्कशन करेंगे। और देखिए, अलग अलग सेगमेंट के लिए स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग होता है। जैसे कि इक्विटी डिलीवरी के लिए 0.015%, इंट्राडे के लिए 0.015
0.003%, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए 0.002%, इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 0.003% स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगता है। इन चार्जेस के अलावा और भी एक छोटा मोटा चार्जेस है, अगर आप नेट बैंकिंग की मदद से डीमैट अकाउंट पे पैसा ऐड करते हैं तो 7 से लेकर 10 रुपया ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है, लेकिन इस चार्जेस को बहुत ही आसानी से बचाया भी जा सकता है। बचाने के लिए फोन पे, गूगल पे, नहीं तो कोई भी दूसरी यूपीआई ऐप की मदद से आपके डीमैट अकाउंट के अंदर पैसा ऐड कीजिए। आपको किसी भी तरह की मनी ऐड चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं देना होगा। इसके अलावा और एक चीज, आपके डीमैट अकाउंट से पैसा बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करने के दौरान कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। तो देखा आपने, शेयर बाय सेल करने के दौरान हमें कितने सारे चार्जेस देना होता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ इन चार्जेस के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। चार्जेस मुझे भी देना होता है, आपको भी देना होगा। अगर दूसरी कोई भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करता है तो उन्हें भी सेम चार्जेस ही देना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इन चार्जेस के बारे में सोचना बंद कीजिए, और इन चार्जेस को खुद से मैनुअली कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इन्हें कैलकुलेट करना चाहते, टोटल चार्जेस अगर आप जानना चाहते, तो उसके लिए ब्रोकर एक चार्जेस कैलकुलेटर है। आप जिस ब्रोकर की ये सारे चार्जेस कैलकुलेट करना चाहते सिंपली गूगल पे जाके लिखिए उस ब्रोकर की नाम और पेज देकर लिखिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर। और जैसे कि मैंने जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर लिख के सर्च किया, सर्च करने के बाद पहला लिंक पे क्लिक करने से आपको भी कुछ इसी तरह की इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे एक एक करके है सारे सेगमेंट की ब्रोकरेज कैलकुलेटर, जैसे कि इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी डिलीवरी, फ्यूचर ऑप्शन की ब्रोकरेज कैलकुलेटर। अब आइए डिलीवरी की चार्जेस कैलकुलेट करके सीखते हैं कि कैसे इन कैलकुलेटर की मदद से टोटल चार्जेस कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे 3 बॉक्स है, बाय, सेल और क्वांटिटी। अभी बाय के अंदर आपको लिखना है आपकी बाइंग प्राइस कितना है, आप कौन सी प्राइस पे शेयर परचेस किया है। उसके बाद सेल की जगह पे आपको लिखना है खुद की सेलिंग प्राइस कितना है, या फिर आप कौन सी प्राइस पे शेयर सेल करना चाहते हैं। एंड फाइनली क्वांटिटी की जगह पे लिखिए आप टोटल कितना शेयर सेल किया है या फिर सेल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है NSE या फिर BSE, कौन सी एक्सचेंज की मदद से आपकी बाय सेल होने वाला है। अभी आपको पता है तो आप खुद के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप NSE को ही सिलेक्टेड रहने दीजिए, और मैंने भी ऐसा ही किया। एंड डन, कैलकुलेशन हो चुका है कंप्लीट, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे डिटेल चार्जेस की लिस्ट कि कहाँ पे आपको कितना चार्जेस देना है, जैसे कि यहाँ पे है ब्रोकरेज चार्जेस कितना होने वाला है, STD चार्जेस कितना देना है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, DP चार्जेस, GST चार्जेस कितना लगने वाला है, SEBI हमसे कितना चार्जेस लेने वाले, और स्टेट गवर्नमेंट हमसे कितना स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लेने वाले, उन सारे चार्जेस की जानकारी। अब अगर हम इन सारे चार्जेस को एक साथ कैलकुलेट करते तो टोटल कितना चार्जेस लगने वाले उसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस की जगह पे। अब अगर हम टोटल प्रॉफिट से टोटल टैक्स एंड चार्जेस लेस करते तो हम पाएंगे इस ट्रेड से या फिर इस इन्वेस्टमेंट से हमें एक्चुअल कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है उसकी जानकारी, और इसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि सारे चार्जेस, सारे टैक्सेस को हटा के आपको एक्चुअली में, आपको असलियत में कितना प्रॉफिट, कितना फायदा होने वाला है उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और बिल्कुल ही सेम तरह से आप बाकी सेगमेंट की ब्रोकरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी ब्रोकर की ब्रोकरेज कैलकुलेट करना चाहते तो बिल्कुल ही सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए गूगल पे, अपस्टॉक, एंजल वन, 5paisa, ग्रो या फिर दूसरी कोई ब्रोकर की ब्रोकरेज कैलकुलेटर सर्च करके आप उस पार्टिकुलर ब्रोकर की चार्जेस कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इतना तक वीडियो देखने के बाद हमने समझा, हर एक ब्रोकर लगभग सेम चार्जेस लेता है, कोई ब्रोकर थोड़ा सा ज्यादा लेता है और कोई ब्रोकर थोड़ा सा कम चार्जेस लेता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर की चार्जेस ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अभी तक हमें मेन सवाल की जवाब नहीं मिला है, मेरे लिए, आपके लिए पार्टिकुलरली कौन सी ब्रोकर अच्छा है, बेस्ट है। देखिए, इस सवाल की जवाब पाने के लिए आपको खुद को एक सवाल करना होगा, आपको खुद से पूछना होगा आप शेयर मार्केट पे क्या करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अभी सबसे पहले करते हैं ग्रो की बात। अगर आप केवल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन ग्रो के साथ आपको मिलेगा सबसे सिंपल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इंटरफेस।
और इनके अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस भी है जीरो। दूसरी साइट पे एंजल वन के साथ में मिलता है बहुत ही अच्छा स्टॉक एडवाइजरी सर्विस। इनकी चार्जेस काफी कम है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं लेता है। एंजल वन काफी पुराना, काफी एक्सपीरियंस ब्रोकर है, इसलिए हमें कई तरह की सुविधा भी देता है। इसीलिए चाहे आप ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर, एंजल वन आपके लिए बहुत ही अच्छा एक चॉइस हो सकता है। अभी अगर हम अपस्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर्स के बीच में अपस्टॉक बहुत ही ज्यादा फेमस है। एडवांस ट्रेडिंग सिस्टम, चार्ट, ऑप्शन चेन, स्ट्रेटेजी बिल्डर के साथ ही साथ ट्रेडिंग के लिए अपस्टॉक कम चार्जेस लेता है। और फिलहाल इनकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इंटरफेस बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है। और इन सभी के साथ साथ अपस्टॉक की अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस दोनों ही है जीरो। दूसरी साइड पे अभी अगर हम जीरोधा के बारे में बात करते हैं, तो जीरोधा हर एक तरह की इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर्स के लिए सुइटेबल है। यहाँ पे हमें हर एक तरह की सुविधा एंड फीचर्स मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे केवल जीरोधा ही अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेता है। इसके बाद अगर हम फाइव पैसा के बारे में बात करते हैं, तो मैं खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, फाइव पैसा बिगिनर्स के लिए उतना भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप एक इंटरमीडिएट या फिर एक प्रो ट्रेडर है, तो फाइव पैसा आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। तो आपके लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सी है? उम्मीद है आपको जवाब मिल चुका है। यहाँ पे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है एंजल वन, अपस्टॉक और जीरोधा। जो भी है, सारे ऑफर्स के साथ हर एक ब्रोकर की फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फास्ट कमेंट पे मैंने शेयर किया है, जो कि मेरा रेफरल लिंक। इस लिंक की मदद से अकाउंट ओपन करने से आपका कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट पे बताइए, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, उन सारे इंफॉर्मेशन को मिला के मैंने एक PDF तैयार किया है, जिसके डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। जो भी है, आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता है कैसे खुद से ही एक बेस्ट स्टॉक ब्रोकर आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अगर आप खुद से ही एक सही स्टॉक ढूंढने की प्रोसेस सीखना चाहते, तो राइट साइड पे दिया गया वीडियो देखिए।